ये मशीन 3 महीना खूब आपको पेट भर भर के, और समझो ना कि खिसे एकदम टाइट हो जाएगा, इतने रुपया तुम्हारे को कमा के दे देंगे। मैं 50-50 हज़ार बोतल मैं राजकोट से मंगवाता हूँ। अभी मैंने 2 बार तो मैंने मंगवा दी, अभी 3री बार मैंने ऑर्डर दे के रखा हुआ है। देखो ना, अभी की बात करूँ ये सीज़न की, अभी तो मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है, 2.5 से 3 लाख बॉटल मैंने मार्केट में सेल कर दी है। फिलहाल रिक्वायरमेंट तो 600 है मेरे, 1.25 है, 1.25 है, 1.25 तक की रिक्वायरमेंट है, मगर मैं इसमें इतनी पहुँच बोलता तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई तुम दूसरी बॉटल तुम दूसरी जगह से ले लो। तो सर्विस कैसा लगा आपको? सर्विस एक नंबर है, टेक्नीशियन विरमगाम फ़ोन करते हैं तो सुबह में जैसा फ़ोन किया तो शाम को टेक्नीशियन 5 बजे पहले आ जाते, टच हो जाते। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका SS सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमारे ग्राहक आए हैं बहुत ही लॉन्ग जर्नी करके अहमदाबाद गुजरात। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजल है। फैजल भाई जी, अपना मशीन SS ब्रांड का लिया है, कितने साल हुए उसको? उसको 2 साल हुए। 2 साल पूरे हो गए। सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदा है? सोडा बॉटलिंग प्लांट 1+3 खरीदा हुआ है। तो कैसा है रिस्पॉन्स? एकदम एक नंबर, बेहतरीन, खूबसूरत, तारीफ काबिल, माशाल्लाह, कोई भी मतलब देखने जैसा कुछ भी है नहीं। आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इसके लिए आया था DC पंप के लिए तो वो बिगड़ गया था, वो भी आज मुझे लेके गया था तो मुझे रिप्लेसमेंट करके दे रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, उसका कोई पैसा नहीं, इतना टाइम हो गया उसके बावजूद? हाँ, 15 दिन हो गए, ये ईद के बाद में आया हुआ हूँ, लेकिन पैसा लिए बगैर मुझे चेंज करके दे रहे, कंपनी चेंज करके दे रही है। 2 साल हो गए उसके बावजूद? हाँ। तो सर्विस कैसा लगा आपको? सर्विस एक नंबर है, टेक्नीशियन विरमगाम फ़ोन करते हैं तो सुबह में जैसा फ़ोन किया तो शाम को टेक्नीशियन 5 बजे पहले आ जाते, टच हो जाते हैं। अच्छा जी। और वैसे कोई मतलब ज़्यादा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, बॉटलिंग प्लांट बढ़िया है, चलने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कभी कभार लॉन्ग जैसे मतलब जूस ज़्यादा निकलने का हो तो DC पंप में वो मतलब तकलीफ़ आती है। वो तो क्या है कि नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब पंप है तो क्या है चेंज कर दो, बाकी ये कंपनी के मशीन के तरफ से छोटा सा भी कोई भी मतलब यूँ समझो ना कि एक सुई जैसा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिज़नेस कैसा है ये, इसमें प्रॉफिट है? प्रॉफिट वाला बिजनेस है, अच्छा बेहतरीन बिजनेस है। क्वालिटी पर तुम्हारी डिपेंडेंट करता है, क्वालिटी मार्केट में रखो तो 100% तुम चलोगे ही चलोगे। क्या बात है, मसाला है ना, क्वालिटी निकलती है हमारी मशीन में से फिर एकदम बढ़िया, जैसे मतलब ढक्कन खोलो तो फुवारा समझो। क्या बात है, यानी ढक्कन खोलते ही फुवारा होता है सोडा का? फुवारा छोड़ देगा तुरंत ही, 16 बोतल स्ट्रॉन्ग एकदम एक नंबर। बोतल जैसे कि समझो कि कोई 10.5-11 ग्राम की होगी और भरो ऊपर से नीचे फेंक दिया तो समझो कि फट जाएगी। अच्छा, ऐसे एक नंबर क्वालिटी है गैस में, एक नंबर है ऐसे। और आपने अभी तक में जैसे हाईएस्ट सेलिंग कितना किया हुआ है? मैंने तकरीबन देखो ना, अभी की बात करूँ ये सीज़न की, अभी तो मतलब शुरुआत भी नहीं हुई है, 2.5 से 3 लाख बॉटल मैंने मार्केट में सेल कर दी है। माशाल्लाह, 2.5 से 3 लाख बॉटल है आपने बना के मार्केट में सेल कर दिया? हाँ, दूसरी कंपनी बहुत चलती है, नाम नहीं लूँगा वो कंपनी का, उसके बावजूद भी उसका अभी क्या है कि मार्केट में क्रेज़ है, फिर भी अपनी सोडा ऐसी बनती है कि जैसे भी मतलब रखा, सैंपल टेस्ट कराया डीलर को या फिर छोटे छोटे मोटे गल्ला है व्यापारी या कोई भी मतलब, तो टेस्ट करेगा 100% लेगा ही लेगा। क्या बात है ना, अपनी जो है उनके पास करोड़ों रुपए की मशीनरी वाले जो है उसको आप टक्कर दे रहे हो अपनी छोटी मशीन से? जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल सही बात। करोड़ों रुपए के सोडा का बॉटलिंग प्लांट लगा हुआ है जिस कंपनी का, उस कंपनी की बॉटल जो व्यापारी, जो पार्लर वाला, जो पान के गल्ले वाला, जो आपका समझो कैटरस वाला ले रहा है, उनको अपनी बोतल टेस्ट कराते हैं तो उनकी बोतल छोड़ देता है और अपनी ले लेता है। जी बिल्कुल 100%, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, भले बहुत ज़्यादा इसमें रोकड़ भी नहीं है, मैंने छोटे से ही मतलब शुरुआत करी थी, इंशाल्लाह अगले साल जंबो का प्लान करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगले साल जंबो मशीन लेने वाले हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने सर से आपने जब वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तो सर किस तरीके से पूरा आपका मशीन का बुकिंग का जर्नी रहा है वो थोड़ा सा बताइए। मैंने 2 साल पहले बुकिंग करवाया था, आया था यहाँ पे विजिट करने के लिए, प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी थी, फिर उसके बाद मैंने पेमेंट आता दिया था, फिर जब मैं लेने आया उसके बाद मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था। जब मैं मुझे मालूम है तब तक उस टाइम शाम के 6 बज गए थे समझो ना, तकरीबन 6 के बाद मतलब 7 बज गए थे, संडे था, कंपनी बंद हो चुकी थी,
फिर भी मैं आने में लेट हो गया था ट्रैफिक की वजह से, तो कंपनी मेरे लिए रुकी थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो और सब रुक के मुझे माल ये मशीन लोडिंग में लोड करवा के फिर सब मानस घर 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 पे गए थे। यानी कस्टमर के लिए जो है हम रुके थे कि भाई संडे का दिन का, संडे के दिन कंपनी बंद होती है, उसके बावजूद उनको डिस्पैच डिपार्टमेंट हमने खुलवा के उनको अपनी उनकी मशीन का जो है उनके टाइम पे डिलीवरी दिया उनको, फिर इंस्टॉल करने के लिए आदमी आ गया था। हाँ, दूसरे दिन तो आ भी गया था मेरे, वो दूसरे दिन तो शाम को तो मैंने मशीन चालू कर दिया था। अच्छा, और दूसरी कई कंपनियों में क्या है कि संडे होता है तो बोला छुट्टी है, कारीगर नहीं है, तो तुम्हारा आज मेट नहीं पड़ेगा, कल आना पड़ेगा। तो इंसान क्या है कि एक दिन के लिए भी अटक जाएगा। सही बात। लेकिन मुझे तो वो संडे के दिन ही डिलीवरी मिल गई थी, संडे के दिन ही डिलीवरी, दूसरे दिन आदमी फिटिंग के लिए भी आ गया था। उसके बाद आपको स्पेशल पूछने के लिए, रिव्यू के लिए, फिर आपसे लगातार कांटेक्ट में हमारी कंपनी रही कि आपको देने के बाद भूल गए? जी बिल्कुल, फोन आते हैं बोले मशीन में कोई दिक्कत है, तो हम बोलते हैं नहीं, मशीन कंप्लीट अभी चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आने जैसा है ही नहीं। तो कभी कभार छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, क्लियर हो जाता है। देखो, प्रॉब्लम के लिए कंप्लेंट डिपार्टमेंट नंबर भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमारे ग्राहकों को, क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्ट ही ऐसा है। फिर भी कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करके देते हैं, अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी। अच्छा भाई, आपको थोड़ा सा पूछेंगे, आप बॉटल किधर से खरीद रहे हैं? बॉटल अभी कैसा है कि अहमदाबाद है, राजकोट है, मोरबी है, मतलब अलग अलग भाव रेट होते हैं। जहाँ पे मतलब हरीफाई होती है वहाँ पे कम रेट होता है, जहाँ सर जहाँ पे मतलब बॉटलिंग ये जो बनाते हैं वो मशीन कम मतलब कम होते हैं, मतलब तो वहाँ पे हरीफाई नहीं भी होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब रेट में अपने को मिलती है। तो मतलब जैसे कि राजकोट में मुझे अच्छा पड़ता है बॉटल, तो मैं राजकोट से मैं परचेस करता हूँ, मैं 50,000 बॉटल मैं राजकोट से मंगवाता हूँ। अभी मैंने दो बार तो मैंने मंगवा दी, अभी तीसरी बार मैंने ऑर्डर दे के रखा हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह, 50,000 बॉटल एम्प्टी मंगवाते हैं। जी हाँ, और घर पे मेरा बोतल है, लेबल है, फुल स्टॉक पड़ा हुआ है कि भाई सीजन में अपने को क्या है कि जो भी है वो 3 महीना ही खूब पैसा कमाना है। ये मशीन 3 महीना खूब आपको पेट भर भर के, और समझो ना कि खिसे एकदम टाइट हो जाएगा, इतने रुपया तुम्हारे को कमा के दे देंगे। माशाल्लाह, यानी कि जो आदमी मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सर, स्टार्टिंग के अंदर आपको सर्वाइव करने में मतलब कोई हार्ड तो नहीं रहा आपका? मतलब मेहनत तो आपने की है माशाल्लाह, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि कर नहीं पाते? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मशीन में क्वालिटी ऐसी है कि बाजार में रखो तो समझो कि सेल हो गई, माल बिकने लगता है फौरन, तुरंत ही। जैसा पानी अपना रास्ता कर लेता है वैसे ये माल अपना रास्ता कर ही लेता है। क्या बात है, आपके पास जो है माल रुकता नहीं है, सब बिक जाता है? सब बिक जाता है। ऐसा समझो कि कंपनी ने मुझे जो एस्टिमेट दिया था 1+3 में कि भाई इतनी बोतल निकलेगी, मैं उससे ज़्यादा बोतल निकालता हूँ मशीन में से। क्या बात है, सुबह से मैं समझो कि 7-8 बजे मैं चालू कर देता हूँ, तो कंटिन्यू शाम तक मैं लगातार चालू मैं रखता हूँ मशीन, कंटिन्यू चालू रहती है। टेम्परेचर डाउन हुआ, तुरंत पानी भरा, फिर वापस आधा घंटा मैं पैकिंग में मैंने निकाला, फिर वापस टेम्परेचर आया, फिर वापस फिलिंग करना चालू किया, सब फ्लेवर कम्प्लीट बना के रख देता हूँ। तो पूरा मतलब जो कंपनी ने मुझे बोला था ना, बोले 1+3 में 3,000 बोतल है या फिर 3200 बोतल निकलेगी, मैं उससे कहीं ज़्यादा मैं बोतल निकालता हूँ ये मशीन से। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए, हमने जितना बोला था उससे ज़्यादा हमारी मशीन निकाल रही है। जो है वो क्या अपने मेहनत पे डिपेंडेड करता है। फिर बंदा यहाँ से मशीन ले जाएगा, बोले सर तुम्हारी मशीन तो बोतल नहीं निकाल पाती है, लेकिन तुम्हारे में एनर्जी कितनी है बोतल निकालने की, तुम्हारे में कैपेसिटी कितनी है, मशीन से तुम्हारे से 5 गुनी ज़्यादा कैपेसिटी है, वो निकाल के इतनी देगा ही देगा। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही की है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन आपको निकालना पड़ेगा। आप कितनी कितनी ML की बॉटलें वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? मैं अभी फिलहाल 200 ML की मैं बात करूँ, 200 ML में ही मतलब मैं समझाना पहुँच नहीं बोलता। अच्छा, 200 ML में आप पहुँच नहीं पा रहे, इसके लिए दूसरी नहीं अभी बना रहे? नहीं, फिलहाल रिक्वायरमेंट तो 600 ML है, 1.25 है, 2.25 है, 2.25 तक की रिक्वायरमेंट है, मगर मैं इसमें इतनी पहुँच बोलता तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई तुम दूसरी बॉटल तुम दूसरी जगह से ले लो। लेकिन क्वालिटी है तुम्हारी बोले तो तुम ही हमको बना के दो, लेकिन मैं पहुँच नहीं होता, फिर भी मैं 200 ML मैं एकदम मतलब टाइट भाव से मैं वट से मैं बेच रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, मैं 200 ML का लगातार प्रोडक्शन सर का बिक रहा है, मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। और बात करेंगे कि भाई ग्राहक जो है कोई कंप्लेंट करते हैं कि भाई सोडा
दो तीन महीने के बाद या पाँच महीने के बाद ठूस हो जाती है, तीन महीने के अंदर जो है ठूस हो जाती है, ऐसा कोई आपको कंप्लेंट आया हो, या फिर आपको वेरिएशन की कंप्लेंट आती है, माल बिगड़ने की ऐसी कोई कंप्लेंट आती हो? देखो ये बात आपने कही, मैं बोल दूँ कि यहाँ से आप बना के मशीन अच्छी दे दोगे, CO2 बोतल आपने लगा भी ली, लेकिन ले जाके तुम ऐसा समझो कि चलो मैं कमा ही कमा करूँ तो बोतल में गैस कम रखूँ, तो ये प्रॉब्लम आएगी। कंपनी जो बोलती है कि भाई इतना गैस का मतलब लेवल रखने का, तो तुम उस उतना तो रखो ही रखो, लेकिन तुम्हारे कई जगह पे के साथ ज़्यादा स्ट्रांगनेस पीते हैं, तो उससे तुम ज़्यादा रखो तो क्या है कि ज़्यादा बन जाता है ना, ज़्यादा हाँ बन जाती है, तो प्रॉब्लम ये चीज़ की आएगी नहीं, कभी भी आएगी नहीं, लेकिन तुम कम गैस रखोगे तो आएगी आएगी, बाकी तीन महीने तक गैस छोड़ती नहीं है। तीन महीने तक छोड़ती नहीं है ना, हमने तीन महीने बोला था तो रहती है ना तीन महीने तक? हाँ तीन महीने तक माल कम्प्लीट रहता है, तीन महीने बाद भी मैंने तो मैं अमुक डीलरों को मैं देता हूँ माल, वो रिटेलिंग में भी बेचते हैं, मैंने देखा है कि तीन महीने हो जाते हैं फिर भी वो सेल करते हैं। अच्छा ये उसको फेंक देने चाहिए? हाँ। बोले फिर भी बोले अच्छी है, बोले चलती है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात, स्ट्रांगनेस है कम्प्लीट है, तीन महीने तक भी मतलब चलती है बोतल माशाल्लाह। देखिए तीन महीने तक जो हम बोलते हैं तो तीन महीने तक चलती है। अब बात करेंगे कि एक बोतल हम बोलते हैं सर, बोलेंगे अभी कितने में कॉस्टिंग पड़ता है, आपकी कौन सी फ्लेवर आप बना के सेल करो, और आपकी कंपनी का नाम क्या है, और एक बोतल पड़ती है कितने में, तीन सवाल हो रहे हैं। मेरा कंपनी का नाम राहत करके, राहत बेवरेजेस करके, और मैं सब फ्लेवर बनाता हूँ, जैसे जो रनिंग है अभी मैं उसमें ही मतलब पहुँच निकलता, जैसे कि जीरा है, ऑरेंज है, लेमन है, स्प्राइट है, और ये मैंगो है, और प्लेन सोडा है, और जो मैं खाली बोतल में लाता हूँ अभी, तो फिलहाल मुझे ₹1.95 मुझे पड़ती है। अच्छा। और ट्रांसपोर्टेशन प्लस करते तो ₹2.10 तक मतलब पड़ जाती है, और 54 पैसे में मुझे ढक्कन पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो कैसे अपने ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है, तो अपने को ये कम मार्जिन में पड़ेगी, और तुम जैसे डायरेक्ट लोगे तो तुम्हारे को ₹3 भी पड़ेगी, ₹3 ऊपर भी हो जाएगी, लेकिन ढूंढना पड़ता है। कंपनी बता भी देगी कि भाई यहाँ पे ये मिलती है, यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, लेकिन वहाँ पे तुमको फिर ढूंढना है, भाव कराना है, कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा तुम क्वांटिटी में लोगे तो सामने वाला बंदा थोड़ा बहुत 2-5 पैसे आपको डाउन भी कर देगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लोगे तो क्या है कि भाव करेगा नहीं। तो मेरा ऐसा है कि मैं बोलता हूँ भाई क्वांटिटी में लेना है, रेट तुम क्या दोगे मुझे, तो बोलेंगे भाई चलो कितनी क्वांटिटी है, तो मैं बोलूँगा भाई 50,000 बोतल मुझे लेनी है, तो वो क्या है कि मुझे भाव करके देगा, तो उसमें मेरा मेन प्रॉफिट क्या है कि 2 पैसे भी मेरा कम हुआ तो 50,000 बोतल कैलकुलेटिंग कर लो कितना पैसा हो गया। सही बात है, ऐसे एक ही ऑर्डर है, लेकिन सीजन में तो ऐसे कई ऑर्डर पे तुम जाओगे तो सीजन एंड होगी तो वो तुम्हारा मतलब तीन महीने का जो है ना लाइट बिल वो निकाल देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है के है रकम छोटी 2-5 पैसा, लेकिन उसको ज्यादा गिनती में करने जाओगे तो हजारों में चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यानी ऑल ओवर बोतल आपका सिरप हो गया, लेबर हो गया, सारा खर्चा मिला के 200 ml की बोतल आपको कितने में घर में पड़ रही है? मैं अभी सब जिसमें भी जो भी मैं टोटल लगा रहा हूँ इसमें 5-5 पैसा, 10-10 पैसा, 7-7 पैसा मैं प्लस करके लगा रहा हूँ, तो अभी मुझे ₹5.30 बोतल पड़ती है, ₹5.30 में पड़ रही है। एक कैरेट आपको घर में कितने में पड़ते हैं, और कितने बोतल का एक कैरेट आप बना रहे हैं? 24 का मैं एक बना रहा हूँ, जैसे अपने गिनती करने जावे तो 120-124 का पड़ता है। अच्छा। टोटल पूरा बंच का कॉस्टिंग, पन्नी से लेके लेबर तक XYZ मतलब समझो कि माल डीलर के वहाँ पहुँच भी गया ट्रांसपोर्टेशन प्लस करके। बराबर, आप एक दफा ₹125 गिन लीजिए, क्या 125 में पड़ रहा है, आपने 124 बोला, ₹1 और प्लस की 125 में आपको पड़ता है, आप कितने में सेल कर रहे हैं? मैं 160 में बेच रहा हूँ। अच्छा, बिक रहा है 160 में खुशी से? लाइन से बिक रहा है, क्वालिटी ऐसी अपने देते हैं तो सामने वाला बंदा लेना ही लेना है, क्वालिटी नहीं होगी तो नहीं लेगा। सही बात। क्वालिटी अपने ऐसी देनी है कि ₹160 तुम रखो मार्केट में, भले 5-7 बॉटलिंग प्लांट हो तुम्हारे गाँव में या शहर में, लेकिन क्वालिटी पे अपना जीतना है। बस क्वालिटी निकलेगी SS ब्रांड कंपनी की मशीन से, जो ओरिजिनल मशीन है जिसमें स्पेयर पार्ट कामयाब क्वालिटी के डाले हुए आपके सामने। सर आपका पूरा एड्रेस बता दो, आपने अपनी कंपनी का नाम तो बता दिया, एड्रेस भी आपका बता दो। मेरा एड्रेस है विरमगाम, भरवाड़ी गेट के अंदर, मोटी वोहरवाड़, विरमगाम। विरमगाम में राहत, राहत बेवरेज, इसका सोडा पीजिए, आप टेस्ट कीजिए, और SS ब्रांड की मशीन खरीदिए। आप भी खरीद सकते हो ऐसा मशीन, और अपने खुद के बिजनेस की कर सकते हो शुरुआत। केवल 3 महीने कमाना है, और करना है आपको आराम से 8 महीने आराम,
तो इस तरीके का अपने बिजनेस की शुरुआत करिए और रोजाना जो है हजारों रुपए कमाइए। देखिए ये पंप जो है खराब हो गया था सर को, नया पंप दिया जा रहा है विदाउट चार्जेस, दो साल हो गए, एक रुपया लिया जा रहा है सर आपसे? नहीं कुछ भी नहीं, एक रुपया भी नहीं है। दो पंप मेरे खराब हो गए थे, एसएस कंपनी ने एक भी रुपया लिया बगैर मुझे दो पंप डीसी 12 वोल्ट के दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक करे और आपका बिजनेस जो है सफल चले, यही हमारी दुआ है। थैंक यू SS16 मशीन और SS16 मशीन का और स्टाफ के लिए थैंक यू वेरी मच।